दोस्तों नमस्कार, खबर उन्नाव उत्तर प्रदेश से, जहां मंदिर के पुजारी पर जमीन के कब्जे को लेकर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। जनपद उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंदिर के पुजारी पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। दबंगों ने रात में सो रहे पुजारी की झोपड़ी भी जला दी। आपको बता दें कि मंदिर परिसर के पास पड़ी बंजर भूमि में अवैध तरीके से ग्राम सभा अमरसस के प्रधान व प्रधान के साथियों द्वारा कब्जा करने पर मंदिर के पुजारी के द्वारा रोक लगाए जाने पर पुजारी से ग्रामवासियों ने की मारपीट, साथ ही मंदिर के पास बनी पुजारी की झोपड़ी भी जला दी। पूरा मामला जनपद उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र के कुरारी मोड़ के पास बने बालाजी मंदिर का है, जो कि 40 साल पुराना मंदिर है। अभी तक उस मंदिर की देखरेख करने वाला वहाँ कोई नहीं था। लगभग 2 साल से एक पुजारी जी मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख और साफ सफाई करने लगे थे। पुजारी जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि मंदिर के आसपास बंजर जमीन पर फुलवाड़ी बनी है, जिस पर ग्राम सभा अमरसस के प्रधान जितेंद्र शर्मा के कहने पर धर्मपाल, मछलीलाल, रामकिशोर चौरसिया, सुनील चौरसिया व ग्राम प्रधान जितेंद्र शर्मा मिलकर मंदिर के पास पड़ी बंजर जमीन पर दबंगई दिखाते हुए कब्जा करने पहुँचे, जिसका मंदिर पर मौजूद पुजारी ने विरोध किया। तब पुजारी का विरोध करने पर इन लोगों ने मिलकर पुजारी को जान से मारने की धमकी दी और वहां पर मौजूद लोगों ने बात करने पर बताया कि पुजारी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वह सब गलत हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि ग्राम प्रधान और उसके साथियों द्वारा मंदिर परिसर के पास पड़ी बंजर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्राम प्रधान व उनके साथियों द्वारा बंजर जमीन पर कब्जा करने के विरोध करने की वजह से पुजारी को मिल रही हैं जान से मारने की धमकियां, जिससे पुजारी काफ़ी भयभीत है। आज पुजारी ने उन्नाव SP ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। आइए जानें पीड़ित पुजारी ने क्या कुछ कहा। उन्नाव से मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। यहाँ मामला जमीन कब्जा करा रहे हैं ग्राम प्रधान अमरसद। नाम क्या है इनका? नाम नितिन शर्मा, लोग जितेंद्र शर्मा है, लेकिन नितिन लोग कहते हैं। ये मंदिर 40 वर्ष पुरानी है और बंद जीर्णोद्धार मैंने कराया है। अष्टभुजा विंध्याचल मिर्जापुर से आगे जा रहे थे, उन्नाव यहाँ रुक गए, पर हमारे सबके सहयोग से ये उस समय भी विरोध किए थे, लेकिन थाना अचलगंज के सहयोग से, प्रशासन के बल से और जनता के सहयोग से ये मंदिर बरकरार बन गया। पूरी जनता यहाँ पूजा पाठ करती है, आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट सरकार PWD खाली करा रही है इन गुमटियों को। ये जबरदस्ती मंदिर के अंदर झंडा तोड़ के, फूल पत्ती काट के, तोड़ के सामने पड़ी हुई है। कोई भी तत्काल अभी देख सकता है, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई भी बराता देख सकता है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। और समाज में ये लोग तोड़ फोड़ रहे थे, हम बाजार से आए, मैंने पूछने गया, भाई क्यों तोड़ रहे हो? हमारे ऊपर सब्बल से मारे लोग। किसी तरीके से थाने पर मैं गया और थाने पर जाके FIR किया। 10 बजे डॉक्टरी हुई, 10 बजे मैंने आया, रात में मेरी मड़ई भी जला दी गई। और ये बुधवार रात की शाम को घटना है हमको मारने का। बृहस्पतिवार को मैं डॉक्टरी का कागज लेने गया तो कंप्लेन किया कि मड़ई भी जल गई है। उसके बाद ये आज सोमवार के दिन ये लोग मीडिया बुला के अपना, वहाँ जो मड़ई जल गई है वहाँ मुर्गा का पाँख रख के, हड्डी मुड्डी रख के, सीसी दारू की रख के, नाना प्रकार की टेबलेट रख के ये लोग फोटो ले रहे हैं, तो मीडिया को दिखाए ये औरतों को बटोर के। मैं ये कह रहा हूँ मड़ई जल गई है, मुर्गा का पाख नहीं जला। इतनी बड़ी मड़ई जल गई, अब मुर्गा का पाख नहीं जमा। कैसा मुर्गा का पाख ये लोग रख दिए थे, जो इन लोगों की माचिस की तिनकी से मुर्गा का जब पाख नहीं जला तो हो सकता है भगवान का धर्म खाता इन लोगों के तोड़ने से नहीं टूटेगा। हमारा उम्मीद भारत माता पर, भगवान हनुमान जी पर है कि ये जमीन बरकरार रहेगी, निश्चित रहेगी, सनातन धर्म का मर्यादा होगा, मुझे भरोसा है और भरोसा रहेगा, और मेरा प्रशासन पे भी भरोसा है, सब पे भरोसा है। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये जमीन के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर किसी का कोई अवैध काम न हो, ये हमारी मंदिर बरकरार रहे, हम रहे या न रहे। हमको लोग हैं ये जो जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, ये ग्राम प्रधान मुख्य आग लगाया सामने मुख्य। नाम क्या है? नितिन शर्मा।
इनका नाम है, और धर्मपाल जिनकी गुमटी रखी जाती। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम मनन साधु है। एसपी ऑफिस एप्लीकेशन देने के लिए आप आए थे जी, क्या मामला है बताएं पूरा। ये बंजर जमीन है, उन्नाव जिला कुरारी मोड़ अचलगंज थाना, यहाँ बंजर जमीन है, 40 वर्ष से पुरानी मंदिर है। मैं कुछ दिन से इस मंदिर पर जीर्णोद्धार करा के सेवा करता हूँ, और जब जीर्णोद्धार कराने लगा तो ग्राम प्रधान ने मुझे रोकने लगा। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? उसका नाम जितेंद्र शर्मा। फिर उन्होंने रोकने लगा, बोला ये जमीन पर मंदिर नहीं बनेगी। हम कहे मंदिर तो पहले से बनी है, इसका केवल मरम्मत कर रहे हैं। वो बहुत परेशान किया, लेकिन हम भगवान का सेवा में पीछे नहीं हटे। थाना अचलगंज से सहयोग लेके हम अजय दीवान और दो चार दस और पुलिस प्रशासन को लेके इस मंदिर पर हमने सेवा किया, मंदिर सारी बनी। किसी के तरीके से सब सेवा लोग दिए, भैया लोग, वकील लोग, और अगल बगल के आने लोग, क्षेत्रीय लोग दिए, अच्छे अच्छे लोग दिए, अभी साथ हैं। अभी फिर विवाद किस बात पे हुआ? ये पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है, गवर्नमेंट सरकार और रोड कुंटी सब दुकान हटा रहा है, रोड उस पार से 4 लाइन बन रही है, उस पार की गुमटी मंदिर परिसर में, वो भी बंजर जमीन में मंदिर बनी हुई है, जीएस में नहीं है। एक प्रधान जबरदस्ती गुमटी रखवा रहा था, मंदिर के जमीन पर रखवा रहा है क्या? हाँ, जमीन का सब फूल तोड़ दिया मंदिर का। हम गए थे पैसा मांगने, समर सेबुल लगाने के लिए, चल के 3 किलोमीटर दूर, अब भीड़ लगी थी, सब हमारा फूल काटा जा रहा था, थुन्नी तोड़ा जा रहा था, भीड़ लगी थी। हम आए पूछे, भैया ये लोग क्यों फूल तोड़ रहे हो? समाज के सामने 4 बजे शाम को चौराहा पर सबके सामने इतने बोलने पर वो सब्बल लोग चढ़ा दिए, 2-3 आदमी मिलके। हमको 4-5 सब्बल हाथ में लगाए, जो मैं डॉक्टरी कराया थाने से 11 बजे रात में, वहाँ से थाने से जब आया फिर अपने झोपड़ी में सो गए। ये रात में 2-2.5 बजे आके माचिस को जला दिए, जब आग लगा, जब हम जाने की आग लोथड़ा गिरा तो हम वहाँ से निकल के भाग गए। फिर सुबह थाने में गए, फिर मैंने शिकायत किया, और फिर एसपी महोदय के आया हूँ शिकायत करने के लिए। एसपी महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि आपका काम पूर्ण होगा। तो जमीन का विवाद पहले भी कभी हुआ है क्या? जमीन जब मंदिर बनवाने लगे तो उस समय प्रधान ने बहुत हमको कोशिश किया कि भगवान का मंदिर न बने, लेकिन जनता जनार्दन ने हमको बल दिया और कहा ये जमीन पहले भी कब्जा करना चाहता था, इसका बाप दादा बाप प्रधान था, और ये भी कब नहीं। कौन कौन लोग हैं जो उसमें आपको मना कर रहे हैं या वहाँ पे अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं? जो प्रधान के मुख्यगढ़ है, जिसको जीएस बंजर दे के जो खेत जोतवाता है, वो लोग हैं, जैसे मछली हैं, धर्मपाल हैं, और अन्य इनके साथी बहुत लोग हैं। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।